साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। राजस्थान से आ रही हैं दो बड़ी खबर। एक राजस्थान हाईकोर्ट से संत श्री आसाराम जी बापू जी की पैरोल को लेकर और दूसरी खबर है संत श्री आसाराम जी बापू जी की रिहाई को लेकर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम सौंपा गया ज्ञापन। वायतु विधानसभा क्षेत्र जिला वालोत्रा के विधायक एवं पूर्व राजस्व मंत्री श्री हरीश चौधरी को। पहली खबर है जोधपुर हाईकोर्ट अपडेट। दिनांक 2 सितंबर 2023 जोधपुर हाईकोर्ट में पैरोल की अर्जी लगी थी, जिसमें सरकार को जवाब देने के लिए नोटिस दिया गया है। अगली सुनवाई 14 सितंबर 2023 को होगी। सभी साधक भाई बहन पूज्य बापू जी के उत्तम स्वास्थ्य एवं शीघ्र रिहाई के लिए जप प्रार्थना व संकल्प जरूर करें। दूसरी खबर है संत श्री आसाराम जी बापू जी की रिहाई को लेकर। युवा सेवा संघ जिला बालोतरा के युवा ने 2 सितंबर 2023 को वायतु विधानसभा क्षेत्र जिला बालोतरा के विधायक एवं पूर्व राजस्व मंत्री श्री हरीश चौधरी को 87 वर्षीय निर्दोष संत श्री आसाराम जी बापू जी की रिहाई की मांग को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के साथ में विधायक जी को आश्रम द्वारा प्रकाशित ऋषि प्रसाद और लोक कल्याण सेतु भी भेंट स्वरूप दी गई, जिस पर विधायक ने कहा कि कानून प्रक्रिया में संत श्री आसाराम जी बापू जी को न्याय अवश्य मिलेगा और मैं आपकी मांग मुख्यमंत्री स्तर तक अवश्य पहुंचाऊंगा। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, इसको लेकर वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट कीजिए और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।